या तो अंजलि लेके जाएगी, अगर अंजलि नहीं तो जिशा, क्या सरनेम उनका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, उसको लगता था पागल रोतागीर। जिशांत इज अ वेरी स्मार्ट गाय, सो आई डोंट थिंक सो, भक्त और गुरु बोलूंगा। जब मैं जानता हूँ, जब वो चला गया था तो शिवम ऑरेंज टीम में होके फारूकी के साथ रहता था। आप देख लो ना, लोगों ने शादियां की है रियलिटी शो में, लोगों ने कितने प्यार किए हैं। मैं ना भी बोलता तो मुझे ही डालते। फारूकी कभी अंजलि को डालेगा नहीं, अंजलि कभी पूनम को डालेगी नहीं, पूनम कभी आसमा को डालेगी, ये तो एविडेंट था। तो इधर तो आप लोग उसके फॉलोअर बने हुए हो फारूकी के। एक ही लड़का या एक ही लड़की जीतेगी कि पूरा टीम जीतेगी? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लॉकअप में जाइए, प्लीज मत जाइएगा लॉकअप। मैं उधर गया था बोरा और फारूकी को गेम से बाहर निकालने। ओके विनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेल रिपोर्टर। थैंक यू सो मच। ओके ओके, यू नो सबसे पहले तो ये बताइए किस तरह की रही है आपकी लॉकअप की जर्नी, बिकॉज डेफिनेटली जेल में रहना आपके लिए भी इजी नहीं था। जेल में रहना ज़रा भी इजी नहीं था ना तरीके से। मैं रात में, वैसे भी आई एम अ लेट स्लीपर, जब तक नींद आती थी सुबह गार्ड आ जाते थे उठाने, तो आपने देखा रहेगा मैं फुल टाइम नींद में ही था, फुल टाइम आई वाज अस्लीप, क्योंकि आदत है नहीं, दो तीन चार बजे सोता हूँ मैं अक्सर, और फिर उठता हूँ आराम से, अगर शूटिंग नहीं होती तो 10-11 से पहले उठता नहीं। यहाँ पर जब तक नींद होती थी सोता था, जब तक गार्ड आ जाते थे, तो मैं पूरा दिन तो आई टू बी नो, इट वाज लाइक कॉपी, सो इट वाज नॉट अ लॉकअप, लॉकअप ही है बॉस, एंड दिस इज अ जेन्युइन लॉकअप। ओनली थिंग इज इधर आपको कोई मार नहीं रहा था गार्ड्स, बाकी गार्ड्स आपके सर पे डंडा ऐसे बजाते थे कि अगर उनका डंडा आपको गलती से लग गया तो आप सीधा हॉस्पिटल। या ट्रू ट्रू, या एंड एक्चुअली वो काफी ज्यादा अननोइंग भी था, बिकॉज़ वो वॉइस सुनना वाज लाइक दैट वाज यू नो, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लॉकअप में जाइए, प्लीज मत जाइएगा लॉकअप। या जी ओके। अच्छा विनीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, यू नो जब आप गेम के घर में यू नो अंदर थे, तब यूजुअली यू नो बहुत से कंटेस्टेंट्स ने भी कहा और समवेयर कुछ व्यूअर्स को भी ऐसा लग रहा था यू नो कि आप आपका 100% नहीं दे पा रहे हो, यू नो क्या क्या रीजन रही है उस चीज की, बिकॉज आप कहीं ना कहीं थोड़े घुलते मिलते नहीं नजर आए कंटेस्टेंट्स के साथ जो घर के अंदर, आई मीन लॉकअप के अंदर थे। क्या मैं उधर घुलने मिलने गया था? नहीं। क्या मैं उधर बेमतलब की पंचायत करने गया था? नहीं। मैं उधर गया था बोरा और फारूकी को गेम से बाहर निकालने के। अगर आपने मुझे अंदर देखा होगा तो मैंने दूसरे दिन ही बोरा को बाहर निकाल दिया था शो के, ठीक है। मेरा अगला टारगेट था फारूकी। मैंने बोरा को निकालने के बाद भी मैं सेफ नहीं खेला। मैं चाहता तो कन्वीनियंटली ऑरेंज ग्रुप में जा सकता था, लेकिन मैं ब्लू में ही गया और मैंने सोचा कि चलो अब मैं ब्लू में आया हूँ तो सबको रियलाइज कराऊंगा कि गाइस आप लोग अपना गेम खेलिए, किसी के कहने पे मत आइए, क्योंकि ये शो एक ही बंदा या बंदी जीतेगी। तो आई वॉज वेरी क्लियर एविडेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं सबको रियलाइज कराना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं कि सबको अक्कल है, सब अनाज खाते हैं, सबको अक्कल है ये बात की, लेकिन चलो मेरा जो सोचा था कि अलायंसेस तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, फारूकी को वीक करूंगा, बिकॉज फारूकी इज ओनली बिस्तर पे बैठा हुआ है वो, और उसके पांच लोग काम कर रहे हैं। पूनम एक जगह काम कर रही है उसके लिए, अंजलि एक जगह काम कर रही है, आजमा एक जगह काम कर रही है, अभी तो साइशा भी एक जगह काम कर रही है, और अली भी उसका, अली ने भी उसको अपना गुरु बना दिया है। सो इट वॉज क्वाइट एविडेंट यू नो, और जब मैं बिस्तर पे बैठा हुआ था तो लोग बोले थे भैया ऐसा लग रहा है तुम हॉस्पिटल में बैठे हो, तो इन दैट केस फारूकी तो लग रहा था कि वो आईसीयू में बैठा हुआ है, वो कर क्या रहा था, उसके लिए उसके लोग काम कर रहे थे। तो जब मैंने रियलाइज किया कि इधर अलायंस नहीं है भाई, इधर तो भक्त और गुरु का तालमेल है, तो मैं किसी भी भक्त को उसके गुरु से एक हफ्ते में तो अलग नहीं कर सकता, स्पेशली नोइंग द फैक्ट कि उन्हीं के मेंबर को, उन्हीं के टीम प्लेयर को मैंने दूसरे दिन में गेम से बाहर कर दिया। तो चलो वो तो मेरा प्रोसेस चल ही रहा था, जब तक मैं देखता हूँ कि चौथे पांचवें दिन पर फिर से बोरा को अंदर भेज दिया और साइशा भी आ गई। तो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, मेरे पास सिंपल रास्ता था, या तो टास्क में परफॉर्म करके हर बार जीतूं बाहर आ जाऊं, तो जो मेरा लास्ट वेडनेसडे का टास्क था एलिमिनेशन से पहले, वो मैं हार गया, और जब मैं वो हार गया तो मैंने रियलाइज कर लिया कि ये बस मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि एज अ वाइल्ड कार्ड जब आप पांचवें वीक में जा रहे हो, जब सब कुछ बना बनाया है, तो कोई भी समझदार इंसान यही करेगा ना कि भैया हम लोग अपनी दुश्मनी बाद में निपटा लेंगे, पहले जो न्यू कमर है उसको बाहर निकालो।
और मैंने सेब खेला नहीं, और ना ही रेंग रेंग के खेलने की मेरी आदत है। मैं या तो इस तरफ रहूंगा या इस तरफ रहूंगा, या तो इम्पैक्ट रहेगा मेरा या तो फिर मैं नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि वो बात हो गई ना कि पत्थर पे अपना सर फोड़ो जिसका आउटकम कुछ निकलने वाला है नहीं। दैट वॉज माई गेम, और इसीलिए मैंने एविक्शन के दिन भी मैं स्माइल कर रहा था, क्योंकि मैं अंदर में को सब पे हंसी आ रही थी कि भैया जो चीज लेके मैं आया था आप सबको मैंने रियलाइज करवाया, आप लोग समझ के भी ना समझ बने हुए तो मैं क्या करूं, यू नो गेम कौन जीतेगा, एक ही लड़का या एक ही लड़की जीतेगी कि पूरा टीम जीतेगी। तो इधर तो आप लोग उसके फॉलोअर बने हुए हो फारूकी के, वो जब तक जैसे उसका मतलब सिद्ध हो जाएगा वो आपको हटा देगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जब फारूकी ने अपने आप को खुद चार्जशीट में डाला था, क्या फारूकी ने खुद से वो किया था? नहीं, जैसे चार्जशीट में डालने की बारी आई थी मैं ऑलरेडी चार्जशीट में था, इसलिए सबने छुट्टे ही बोल दिया था। जब करण कुंद्रा ने बोला कि कौन इसमें से आएगा तो सबने छुट्टे ही अली का नाम ले लिया कि नहीं अली को डालो इंक्लूडिंग फारूकी। फिर मैं अली के लिए खड़ा हुआ था, अली तो खुद के लिए बोल भी नहीं पा रहा था, अली के लिए मैं खड़ा हुआ था, बोला नहीं अली नहीं, अली तो वीक है वो तो निकल जाएगा बाहर। तो फिर अली ने बोला पूनम, तो पूनम बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर पूनम बोला फारूकी, तो फारूक बोलता नहीं नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद जब मैं सर पे खड़ा रहा तो फारूकी ने ना चाहते हुए अपने पे लिया, अपने आप को चार्जशीट में डाला। तो ये तो वही बात हो गई ना कि या तो मैं जाके अलाने फलाने ढिकाने कंटेस्टेंट ही करा, किसी का फॉलोअर बन जाऊं या अपनी गेम खेलूं। तो मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर था कि या तो मैं फुल इम्पैक्ट रहेगा मेरा स्टार्ट टू एंड, या तो फिर मैं नहीं हूं, मैं रेंग रेंग के गेम नहीं खेलना चाहता हूं, मेरा तरीका ही नहीं है। It was very clear, it was evident. और जब आप ऐसे कोई आपका जब ऐसा कोई स्टैंड है तो आपको हर बार अपने आपको टास्क में प्रूव करना रहेगा। और लॉकअप में अगर सुपरमैन भी आ जाए तो हर बार हर टास्क नहीं जीत सकता। कुछ लोग उन्हें मैनिपुलेटिव कहते हैं, कुछ लोग उन्हें लीडर कहते हैं मुनावर को, आपके अकॉर्डिंगली मुनावर क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुनावर ना ही लीडर है और मेरे लिए तो मैनिपुलेटर भी नहीं है, औरों के लिए होगा, क्योंकि फारूकी का गेम मैं डे वन से जानता था कि भैया वो तो बिस्तर पे बैठा हुआ है और उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, एक को किचन में भेज दिया, एक को यार्ड एरिया में भेज दिया, एक को लिविंग रूम में रखा कि जाओ देखो क्या हो रहा है, और लोग उसका कहना मानते भी थे। अरे सब छोड़िए, मैं देखता था, लोग बोलते थे आजमा को, आजमा पानी लेके आ, तो आजमा पानी लेके आती, अरे आजमा क्रीम लेके आना, क्रीम लेके आती। तो जब ऐसे लोग हैं तो आप, ये तो आप लोगों ने उसको बनाया ना जो वो बना हुआ है। मैंने कहा भी था जब वो शो में आया था, वो पेड़ था, आप लोगों ने उसको झाड़ बना दिया पेड़ शो में। इसलिए मेरा मुद्दा बड़ा क्लियर था शो में जाने से पहले कि मैं जाऊंगा तो पहले उसकी जड़ काटूंगा। जब बोरा था उसके साथ, मैंने दूसरे दिन पे बोरा को बाहर कर दिया, इट वॉज डे टू। और अब जब उन लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम इनएक्टिव हो गए, तो मैं आखिरी जब वेडनेसडे का टास्क में हारा तो मैं खुद ही इनएक्टिव हो गया था। जब मैं सबके अगेंस्ट हूँ और मैं अरीना भी हार गया हूँ, तो मैं अभी जाके तो ना पत्थर पे अपना सर फोड़ूंगा कि नहीं नहीं मुझे बचा लेना, ये करना वो करना, वो मेरा तरीका भी नहीं, दैट्स नॉट माय स्टाइल। मैं इस तरफ रहूंगा या इस तरफ रहूंगा, रेंगते हुए तो गेम मैं नहीं खेल सकता, दैट मेरा तरीका नहीं। अच्छा विनीत, आप जब लॉकअप के अंदर गए थे, बहुत क्लियरली नजर आ रहा था कि मुनावर और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपके झगड़े भी बहुत हो रहे थे, बट कहीं ना कहीं जाके आप भी एक अच्छी तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बॉन्ड करने लगे मुनावर के साथ। क्या था, वाज इट योर गेम स्ट्रेटजी, या फिर क्या आप भी अवेयर थे फैंस ने मुनावर को बनाया? होता है ना जब आप एक ही टीम में रहते हैं, तो मैं फारूकी से बात करता था टास्क को लेकर। मैंने फारूकी को कभी ये नहीं बोला, जब मेरे को वो भी दिन याद है कि जब चार्जशीट में डालने की बारी आई थी, तो फारूकी ने मुझे कहा था कि विनीत भाई हम लोग आपको चार्जशीट में डाल रहे हैं क्योंकि सामने वाले भी आपको वोट, आपके अगेंस्ट ही वोट करेंगे, तो हम भी सोच रहे हैं कि सब लोग मिलके आप ही को डाल देते हैं, सो दैट जजमेंट डे के दिन आप अकेले रहोगे, आपके अगेंस्ट आपके साथ कोई भी खड़ी रहेगी ब्लू टीम की, उस दिन आजमा खड़ी थी, तो हम लोग आपको बचा लेंगे बिकॉज वी नीड यू। तो मैंने भी हाँ बोल दिया था, बिकॉज अगर मैं ना भी बोलता तो क्या होता,
डालते उन लोग मुझे ही थे। तो मेरा हाँ बोलने का सिर्फ यही एक रीजन था कि एटलीस्ट मेरे पास एक पॉइंट रहेगा, आई विल हैव अ सेविंग ग्रेस ऑन द गिवन डे। मैं ना भी बोलता तो मुझे ही डालते, फारूकी कभी अंजलि को डालेगा नहीं, अंजलि कभी पूनम को डालेगी नहीं, पूनम कभी आसमा को डालेगी, ये तो एविडेंट था। तो दैट वाज वेरी क्लियर ऑन माय एंड, बोला चलो ठीक है। उल्टा ऐसे मेरे पास एक रीजन तो रहेगा कि देखो भाई तुम लोग ने बोला था तो मैंने सब तीर अपने पे ले लिए, अब तुम लोग को मुझे बचाना भी चाहिए। लेकिन खैर वैसा कुछ हुआ नहीं, बीच में झोलघर आ गया और पूरा का पूरा ब्यूटी मंदिर घुस गया। मैं जब भी समझ गया था कि इन लोग अपने आप को बचाएंगे ना, मुझे तो कोई बचाएगा नहीं। ओके यू नो विनीत, टॉकिंग अबाउट यू नो कि किस तरह से मुनावर ने सबको कंट्रोल करके रखा है या फिर यू नो अपना बना के रखा है, जो भी कहे, आपको क्या लगता है? अब ये जो मंजुली एक हैशटैग है वो भी काफी ट्रेंड कर रहा है, बिकॉज जिस तरह से यू नो फैंस ने मुनावर को पसंद किया, अब वो मुनावर अंजलि को साथ में भी उतना ही पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है, कोई गेम स्ट्रैटेजी है? बिकॉज हाल ही में यू नो उनके शादी का सीक्रेट भी रिवील हो चुका गेम में कि यू नो उनका शादी हो गई है, उनकी उनकी बेबी है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये गेम स्ट्रेटजी या जो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के लिए फील करते हैं? क्योंकि अंजलि ने तो आई लव यू तक कह दिया है मुनावर को, उन्होंने कन्फेस किया है, आपके मुताबिक क्या लगता है? आप खुद मुझे बोलिए, रियलिटी शो का कोई प्यार या कोई शादी टिकी है शो के बाद? लेट मी आस्क यू, आई थिंक आपके जेलर जो है उनकी भी लव स्टोरी चल रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। दिस इज कन्वीनियंस कि हाँ हाँ ना ना, मतलब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब एक ही इंसान को ये शो जीतना है तो अपने लिए अपने गेम के बारे में आप कब सोचोगे? मतलब आप देख लो ना, लोगों ने शादियां की है रियलिटी शो में, लोगों ने कितने प्यार किए हैं, मुझे नाम के ना यू नो बेटर नहीं, कितने प्यार सक्सेसफुल हुए हैं, कितनी शादियां सक्सेसफुल हुई, तो क्या है ये कन्वीनियंस बोलते हैं इसको कि चलो जब तक चल रहा है चल रहा है, एक दूसरे की मैं आई विल स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माय बैक, और फिर तो सच तो सामने आ ही गया। ओके विनीत, मंदना की अगर बात करें यू नो घर में ये कुछ दिनों से काफी ज्यादा यू नो बहुत बवाल क्रिएट किया उन्होंने घर में, कभी अली को लेकर बहुत सी चीजें कह दी है, कभी यू नो करणवीर बोहरा को लेकर भी उन्होंने ऐसे कही थी कि कहीं ना कहीं यू नो वो कास्टिंग काउच का शिकार होने वाले थे जिस बिकॉज ऑफ हिम। क्या लगता है मंदना के जो एलिगेशन है जो वो घर वालों पर लगाती है वो कितने सच लगते हैं आपको, और आप क्या कहना चाहोगे उनके गेम प्लान के बारे में? मंदना काफी हद तक, मुझे मंदना टू द पॉइंट लगती है। मंदना को मैं ये नहीं बोलूँ मंदना कुछ भी है, मतलब वो आजमा दिन रात मंदना के पीछे पड़ी रहती है, क्या क्या बकवास उसके बारे में करती रहती है, जो समवेयर आई ऑल्सो फेल्ट बैड यू नो फॉर अ गर्ल, आप उसको बार बार कुछ भी करती है, लूज मोशन इज लूज मोशन यू नो, तो सुनने में कितना अटपटा लग रहा है। तो मुझे समवेयर आई फील यू नो कि मंदना must be right till an extent. अभी मैं तो जब ही उसके साथ था नहीं, जब उसके साथ जो जो वो बोल रही है उसका narrative है कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन I will still give brownie point to Mandana. मुझे लगता नहीं है मंदना being a girl, मंदना ने इतना बड़ा secret भी reveal किया अपने बारे में, so I think Mandana till an extent she can be or she is right about whatever she is saying. Okay. करणवीर के बारे में क्या कहेंगे, बिकॉज आते ही आपने उन्हें घर के बाहर तो निकाल दिया था, बट काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक कर दिया है उन्होंने गेम के अंदर, क्या लगता है किस तरह की गेम वो खेल रहे हैं और आपका बॉन्ड क्या कहीं ना कहीं बदला करणवीर के वापस घर में आने के बाद? नहीं नहीं, करणवीर जब बोरा जब शो में एंटर हुआ तो आई स्पोक टू हिम, ही वाज वेरी गुड टू मी, वो तो मेरा गेम देख के आया था अंदर, सो ही टोल्ड मी वी स्पोक एंड ही टोल्ड मी तूने यार तेरी शुरुआत तो अच्छी थी, अभी तो कुछ कर नहीं रहा है ग्रेट। मतलब देखो यार हर चीज का एक प्रोसेस होता है, डायरेक्टली मैं किसी पे भी बेमतलब का अटैक करूं उसका आउटकम जीरो रहेगा, तो मेरे को उस पर अटैक करके फायदा क्या है? आई विल आई एम इन द प्रोसीजर, आई एम इन द प्रोसेस, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि ये सब कुछ टाइमिंग का खेल है, अगर गलत टाइम पे आपने कोई गलत चीज कर दी तो कुछ होगा नहीं, उल्टा बैकलैश होगा। सो आई डोंट नो बोरा का क्या प्लान था, क्या प्लान होगा, पहले शिवम पहले फारूकी की सुनता था, जब बोरा है तो उसने उसका सुनना शुरू कर दिया, तो गेम प्लान क्या है आई डोंट नो, इसमें क्या गेम प्लान था मुझे तो ऐसा कुछ एविडेंट कुछ दिखाई नहीं दिया,
कि तुमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया। ओके बस ठीक है, मतलब जब मैं जानता हूँ, जब वो चला गया था तो शिवम ऑरेंज टीम में होके फारूकी के साथ रहता था, हम जीतते थे तो शिवम आके हमारे साथ वो हेड्स अप करता था। और फिर जब वो जिस दिन से बोरा आ गया, उसने पूरा फारूकी को साइडलाइन कर दिया और फिर बोरा की सुनने लगा। दिन में 10 बार तो शिवम उसके पैर पड़ता था। आई डोंट नो, अभी इसके अंदर मुझे ना कुछ इंडिविजुअलिटी उभरते हुए नहीं दिख रही थी कि किसी की भी। और जो ब्लू टीम का तो आप देख ही रहे हो, अलायंस नहीं बोलूंगा मैं, भक्त और गुरु बोलूंगा कि सब भक्त खड़े हैं, गुरु जो बोल दे रहा है वैसा सब भक्त कर रहे हैं। वो बोल दे सुबह नहीं अभी रात है तो सब ऐसा करते हैं, हाँ रात है। अच्छा विनीत, आपके मुताबिक जानना चाहूंगी, अगर आप इतने आपने अच्छा खासा समय बिताया घर में, क्या लगता है अगर इन कंटेस्टेंट्स में से अगर आप किसी को लीडरशिप वाली क्वालिटी देना चाहोगे तो वो कौन होगा, और आपके मुताबिक कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो थाली का बैंगन है और उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है गेम में अब तक? जितना मैंने एनालाइज किया है कि मैं देख रहा था कि शिवम हो गया, क्योंकि शिवम को मैंने ऑर्डर्स लेते हुए देखा है, फारूकी का ये करना है वो करना है ऐसे करना है, उसको देखा है जो खुद के इंडिविजुअलिटी मुझे किधर दिखाई नहीं थी। फिर आजमा को देखा है मैंने, खुद का कुछ दिख नहीं रहा है, लोगों के बोलने पर जाके किसी का क्रीम गिरा दे रही है, वो कपड़े छुपा रही है। फिर पूनम को मैंने देखा है जैसा फारूकी बोलता था वैसा करती थी, जब सब लोग लड़ रहे हैं तो पूनम भी इसमें घुस जाती थी, चिल्लाना सामने वाले को गाली देना। तो ये सब मेरे को लगता है इन लोग की इंडिविजुअलिटी कुछ थी नहीं, इन लोग मतलब थे कि किसने कुछ बोल दिया तो वैसा। अगर सही में इसमें वहां पर एक कोई मैं जेन्युइन लीडर देखता हूँ जो गोज बाय द मेरिट, वो है जीशान। ओके, ही इज वन गाय जो ही गो बाय द मेरिट, यू नो कि वो सेल्फलेसली कुछ कर सकता है किसी के लिए। दैट इज व्हाई ओनली गाय विद हुम आई हैड अ बॉन्ड वाज जीशान। ओके अच्छा, बट एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने जिशान की बात की विनीत, कहीं ना कहीं थोड़े टेम्पर लूज कर देते हैं, बिकॉज जैसे कि आपको याद होगा बीच में आसमान ने एक मस्ती करी थी और उसके बाद में बहुत जो आउटकम था जिशान के साइड से वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। क्या लगता है कहीं ना कहीं इनका जो टेम्पर है ये गेम को थोड़ा खराब कर सकता है उनके लिए? देखो ये तो ही शुड रियलाइज इट ना, व्हेन ही इज देयर इनसाइड ही शुड रियलाइज, तो सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए उनको। लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ कि पहले बार में जिशान नेवर लॉस्ट हिज कूल, यू नो आसमा ने 3-4 बार उन्होंने आसमा को चांस दिया, यू नो समझाया प्यार से, एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट हिज टेम्पर। और देखो अच्छा ही हुआ, जब आखिर में जब जाके जिशान लॉस्ट हिज टेम्पर ऑन आसमा, उस दिन के बाद से आसमा ने कभी उसके साथ छेड़छाड़ या प्रैंक नहीं किए, वो आपने नोटिस नहीं किया शायद। उस बार से आसमा का रडार में से जिशान निकल ही गया, फिर वो मंदना को पकड़ के वही पोनी ट्रिक होती है ना, एक ही चीज बार बार करी थी उसने, जिशान को कभी टारगेट नहीं किया। तो वो भी जरूरी होता है ना कि एक हद के बाद, एक टाइम के बाद यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। सो इतना जरूरी भी है, तो आई विल नॉट से, बाकी जिशान इज अ वेरी स्मार्ट गाय, सो आई डोंट थिंक सो। और आपने नोटिस किया रहेगा कि जब से आसमा ने उसको रडार पे लेना बंद किया तो ईशान ने उसको पलट के देखा भी नहीं होगा, देखता भी नहीं था। उनको सिर्फ खुद से मतलब है और बाकी किसी से नहीं है। और आपको कि कौन हो सकता है लॉकअप का विनर? पायल के लिए तो ईशान बहुत सही बोलता था कि वो पायल रोता की नहीं है, क्या सरनेम उनका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, उसको लगता था पागल रोता की है, मतलब वो एक सेकंड में ऐसी हो सकती है। जो मेरा उसके साथ इंसिडेंट हुआ था वो भी वो झूठ बोल रही थी। मैंने एक रात पहले जिशान के सामने, नोइंग द फैक्ट दैट जिशान इज वेरी क्लोज टू मंदना, मैंने जिशान के सामने मुंह पर बोला था कि जो अरीना का टास्क हुआ था, मंदना ने एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश की, तीसरे बार मंदना को पटाक से गिव अप बोल के दूसरे को चांस देना चाहिए था, तो वैसे उनका स्पीड आगे बढ़ जाता और वो टास्क जीत जाते। तो पायल ने सुबह जब मैं किचन में गया तो पायल ने मेरे सामने ही उसको शिव और
पॉइजनिंग मंदनाज माइंड बाय सेइंग कि विनीत ने ये बोला कि मंदना के वजह से हारे हो, तो उस पर मुझे गुस्सा आ गया। एंड देन वो जो कॉन्वर्सेशन वहां से शुरू हुई, फिर वो लड़ाई पे चली गई खाने में थूकने की बात, तो मैंने भी अपने तरीके से बोला कि बेटा खाना तो अच्छे से बनाना, बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूँ। अगर मैंने आई मेड श्योर कि मेरे मुंह से कोई गाली वाली निकली नहीं, वरना फिर वो अचानक वुमन कार्ड आ जाता, विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड, हो नो हो नो, लड़की को गाली दे दी, लड़की को, लड़की भले कुछ भी करे लेकिन लड़का अगर कुछ भी कर ले तो फिर तो हमारे देश का संविधान ही कुछ ऐसा है कि लड़कियां कैन से एनीथिंग एंड गेट अवे नाइस, लड़के ने कुछ बोल दिया। इसलिए मैंने पूरे आर्ग्यूमेंट में मैंने कुछ भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। और हाँ, ये लॉकअप की ट्रॉफी या तो अंजलि लेके जाएगी, ओके, उसके बाद अगर अंजलि नहीं तो जिशा। लास्टली विनीत, क्या प्लान्स हैं अब आगे, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या किस तरह के प्रोजेक्ट करा सकते हैं, या आप किस प्रोजेक्ट का पार्ट? अभी भी मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ है जोगन, व्हिच इज रियली डूइंग गुड, एंड आल्सो एक वेब सीरीज रिलीज हुई है किंग्स मैन। तो ये दो प्रोजेक्ट मेरे, जब मैं लॉकअप में था जब भी इन लोगों ने रिलीज कर दिए थे दोनों प्रोजेक्ट, और अभी ऑलरेडी आई एम पार्ट ऑफ राधा कृष्ण सीरियल एंड जिद्द दिल मानेना, प्लस अब नाउ आई विल पिक अप प्रोजेक्ट्स वेरी, यू नो, अभी मैं थोड़ा सा चूजी हो जाऊंगा क्योंकि यू नो जो एफर्ट लगते हैं, एनर्जी लगती है, तो आई विल पुट दैट इन द राइट प्रोजेक्ट्स इन द इम्पैक्टफुल रोल्स, वैसे ही पिकअप करूंगा। थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू टू।